आईपीएल इतिहास के वो पांच शर्मनाक पल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल इतिहास के वो पांच शर्मनाक पल के बारे में, जिसके वजह से भारतीयों को होना पड़ा था शर्मिंदा। दोस्तों, आपको बताएंगे उस मनहूस घटना के बारे में पूरी डिटेल, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, अगर आपको आईपीएल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहने को तो आईपीएल विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग मानी जाती है, लेकिन इस आईपीएल में कुछ ऐसे भी शर्मनाक पल देखने को मिले हैं जिनके चलते इस क्रिकेट लीग को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। आईपीएल के इतिहास में ये ऐसी शर्मनाक घटनाएं रही जिनके कारण भारतीय क्रिकेट जगत भी हैरान हुआ, जिसमें शामिल है विराट कोहली और गौतम गंभीर की फाइट। दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ही भारत के बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और दोनों ही खिलाड़ियों ने दिल्ली टीम से चलकर टीम इंडिया तक का सफर तय किया। लेकिन 2013 के आईपीएल सीजन के दौरान इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आईपीएल में आरसीबी के विराट कोहली जैसे ही आउट होकर वापस जाने लगे, उसी दौरान विराट कोहली की कुछ कहा सुनी केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर के साथ हो गई, और मामला यहां तक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को गाली गलौज से लेकर मारने तक के लिए उतारू हो गए। ऐसा होते देख इनके बीच बचाव के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों व अंपायरों को दखल देना पड़ गया। इस घटना को देखकर हर कोई दंग रह गया। और है एस श्रीसंत और हरभजन सिंह का झगड़ा। दोस्तों, एस श्रीसंत और हरभजन सिंह का किस्सा तो सबको याद ही होगा, जो उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। बात आईपीएल के पहले सीजन की है, जब मुंबई इंडियंस से खेल रहे हरभजन सिंह टीम के कप्तान थे, जिन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज श्रीसंत को मैच के दौरान किसी बात को लेकर चांटा जड़ दिया था, जिसके बाद श्रीसंत को मैदान पर बुरी तरह से रोते हुए देखा गया था। आईपीएल के इतिहास में यह शर्मनाक घटना अब तक पहली और आखिरी बार हुई है कि एक खिलाड़ी ने किसी अन्य खिलाड़ी को थप्पड़ जड़ दिया हो। इस हरकत के बाद हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। और है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का निलंबन। दोस्तों, आईपीएल का छठवां सीजन कई कारणों से सुर्खियों का कारण बना था, जिसमें सबसे बड़ी शर्मनाक घटना भी घटी। उस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स व राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को मैच फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया। दरअसल इन टीमों के मालिक अपनी ही टीम की हार पर ही सट्टेबाजी करते हुए देखे गए। इस सट्टेबाजी में उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद व सीएसके के निर्देशक गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल के सहयोगी पार्टनर चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम शामिल था, जहां पुलिस ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टीमों को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया था। इस घटना ने तो पूरे आईपीएल लीग को हिला कर रख दिया था। और है स्पॉट फिक्सिंग के चलते 3 खिलाड़ियों पर लगाया गया बैन। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में कुछ खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भी पकड़ा गया, जिसमें राजस्थान रॉयल के एस श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान शामिल थे। दरअसल 2013 के आईपीएल सीजन के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज मुकुल मुद्गल ने इन्हें दोषी पाया और इन पर कठोर कार्यवाही करते हुए इन्हें आजीवन क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना ने पूरे आईपीएल को दहला दिया था, जिसके बाद खिलाड़ियों की खेल भावनाओं पर भी प्रश्न उठने लगे थे। यहां तक कि क्रिकेट के चाहने वालों ने भी इस कृत्य की घोर निंदा की। और है आईपीएल खिलाड़ी ल्यूक पॉमर्स बैच की महिला को छेड़ने की घटना। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ल्यूक पॉमर्स बैच की वजह से भी इस लीग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। 2012 के आईपीएल के समय में आरसीबी से खेल रहे ल्यूक पॉमर्स बैच का एक अमेरिकी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। उस दौरान इस घटना ने सबको चौंकाया। इस खिलाड़ी की इस बदतमीजी को संज्ञान में लेते हुए फ्रेंचाइजी ने भी इन्हें आईपीएल खेलने से बैन कर दिया, और उसके बाद से यह खिलाड़ी फिर कभी आईपीएल खेलता नजर नहीं आया। हालांकि इस घटना के बाद में ल्यूक पॉमर्स बैच ने उस महिला से माफी मांगी और अपनी गलती को कबूला। उसके बाद महिला के आग्रह करने के बाद इस खिलाड़ी पर छेड़छाड़ लगाए केस को हटा दिया गया था।